हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा सुबह के 10 और मैं उठ चुकी थी आज भी जल्दी, और मैंने अभी तक हेयर वॉश नहीं किया और मैं गेट के पास इसके लिए खड़ी हूँ क्योंकि मम्मी गई है थोड़ा काम करने नीचे। थोड़ा सा 5 मिनट में मम्मी ऊपर आ जाएगी, तो मम्मी बोल रही गेट मत लगाना, मैं फटाफट से आ जाऊँगी, नहीं तो घंटी बजाते हैं फिर भैया के नहीं डिस्टर्ब हो जाती। आज हमारे किचन में बन रहे काले छोले और साथ में ये सब टमाटर की प्यूरी वगैरह मैंने बना के रखी है क्योंकि मुझे काले चने की सब्जी बनाने के बाद जाना है थोड़ा बाहर। आज सिलेंडर भी लेने जाना है हमें और थोड़ा मोटा और भी काम है, 2-3 काम है छोटे छोटे, वो भी कराने हैं। और मम्मी आ चुके, मैंने बोला था ना सिर्फ 5 मिनट का काम था मम्मी को, 5 सेकंड का, 5 मिनट भी ज़्यादा था। मैं बस सिर नहाने जा ही रही थी और तभी मैंने देखा कि पीटर ना अपना राइट पैर बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा था उसमें, तो मैंने फटाफट से देखा तो अंदर रेड कलर के फंगल हो चुके थे। मैंने फटाफट से उसकी ट्यूब ले, लेकिन वो ट्यूब भी चाट रहा है पागल, तो अच्छा है हलीन उठ गई है। और मैंने पता है ट्यूब लगाकर उसका पैर कपड़े से गोल गोल कर दिया कि ना ट्यूब चाटता है और असर भी लग जाए। जैसे भी 1 घंटा ट्यूब नहीं चाटेगा ना तो 1 घंटे में पैर मस्त हो जाएगा, ट्यूब काफ़ी असरदार है। और ये इसके साथ अभी टाइम पास कर रही है कि वो उसका पैर की तरफ ध्यान ना जाए, वो चाटे ना। ए उसका पैर कवर करो। तो मम्मी को जाना था बाहर सिलेंडर लेने, तो भैया आए ऑटो वाले, तो हमने कहा चलो पीटर पे एक बार चक्कर लगाते हैं। तो मैं बैठी हूँ यहाँ, पीटर बैठा है यहाँ, और ये लड़कियाँ जो फर्स्ट टाइम आने बैठी है, कैसा लग रहा है? बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लग रहा है अब गिर जाऊँगी। इसका एक्सपीरियंस लेना था कि मैं बैठ के देखूँ कैसा लगता है, मेरे को बैठ जाए ये बच्चा मस्त। इसको जब भी ऑटो आती है ना, इसको तो होना होता ही है कि मेरे को लेके जाओ चाहिए। घुमा वगा के ले आए हैं, ये मस्त सो रहा है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था। एक्चुअली मैंने कैबिनेट्स तो साफ़ कर लिए, इतना ही ज़्यादा गंद था ना आप मानोगे नहीं। और अभी मुझे पता है मेन ये कैबिनेट साफ़ करने हैं, ये चारों के चारों, पाँचों के पाँचों बहुत बिगड़ गए हैं। आप खोलोगे तो कुछ पता ही नहीं लगा कि इसमें क्या है। हमारा ब्यूटी का सामान है, ब्यूटी का, वो भी ख़राब है। इसमें एयरिंग्स हैं महंगे महंगे, वो भी सब ख़राब हैं। और ये कैसे रखा है सब, मैं इसको अभी फटाफट से निकाल के क्लीन कर देती हूँ। पहले कैबिनेट को क्लीन कर लूँ, सिर्फ क्लीनिंग रह गई है, बाकी सिर्फ ये मिट्टी साफ़ करनी रह गई है, बाकी सब क्लीन हो गया है। सो ये करने के बाद आपसे मिलती हूँ और मैं उसका भी हालत दिखाऊँगी कितना गंद है उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। अब इस कैबिनेट की आप हालत देखो, कितना प्यारा और साफ़ सुथरा लग रहा है। देखो कहीं भी कोई डस्ट नहीं है। यहाँ पे चार्जर रख दिया, नहीं तो एक के ऊपर एक चार्जर फेंक दिया, कुछ कर दिया। और ये देखो पूरा कितना क्लीन लग रहा है। अब बारी है उस कैबिनेट की, तो उसको भी एकदम पूरा नीट एंड क्लीन कर दूँगी। ये देखो कैसे रखते थे, मैं इनको कितनी बार समझाती हूँ कि जो चीज़ जहाँ यूज़ करके जहाँ से यूज़ करो ना वहीं पर रखो, बट कोई नहीं किसी की सुनता। जब तक खुद नहीं करेंगे ना उनको कुछ नहीं मज़ा आएगा। चलो घर तो साफ़ करने ही है, बहुत गंदा हो गया है। उत्तरायण का कब का किया है दिवाली को, उसके बाद मैंने ये चीज़ नहीं छेड़ी है, अंदर से कैबिनेट्स नहीं साफ़ किए, तो तभी इनकी हालत इतनी गंदी हो गई है। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, और ये इसमें से कैबिनेट्स में से कचरा ये निकला है, तो अभी उसमें से पता नहीं कितना और निकलेगा। ये सारे मैंने कैबिनेट्स मतलब अलग अलग कर दिए हैं, डब्बे 1, 2, 3, 4, 5, और पांचों देखो कितने मैसी हैं, इतना गंदा आपको देखने की इच्छा नहीं कर रही है। अब इसको साफ़ करूँगी। और ये देखो इसके जहाँ पे डब्बे फिक्स है ना, वहाँ के नीचे देखो कितनी मिट्टी है, और सबसे नीचे देखो जहाँ ये फिट किया था वहाँ देखो हाल। हम लोग बोलते हैं यार, हम तो रोज़ डीप क्लीनिंग करते हैं, रोज़ नहीं होती है कभी कभी, आज पता नहीं क्यों सफाई का शौक चढ़ा, तो चलो सफाई करते हैं शुरू। हम लोग सिलेंडर ले, और सच में सिलेंडर आने कोई शौक ईजी नहीं है। मैं पूरा ऊपर लिफ्ट तक लेकर आई, मेरा पूरा हाथ देखो लाल पड़ गया पूरा सिलेंडर उठा कर लेकर आई मैं, क्योंकि ये अपने काम में बिजी थे। ये आज पूरा जो भी कैबिनेट वगैरह सब साफ़ करने लगे, जो भी हमारे एयरिंग्स है चूड़ी वगैरह वो सब क्लियर करने लगे। नहीं करती है तो बहुत अच्छी तरह से करती है। और मम्मी ये रही, मम्मी का मुँह इसलिए खुला, मम्मी के सामने समोसे पड़े हैं, तो अभी हम खाएंगे समोसा पड़ जाए तो अभी हम लोग खाएंगे समोसा, उसके बाद करेंगे कोई और काम, सिर्फ हाथ धो कर आए, उसके बाद पहले गरम गरम समोसा खा लेते हैं। एक हाथ में इसके सिलेंडर था और थोड़ा सामान लिया, प्याज सस्ता काम तो हाँ सब्जी मैंने बोला। और पता है हमें मार्केट से सरसों का साग भी मिल गया, तो फिर हम लोग साग भी ले आए, तो साग का वजन भी हो गया एक तरफ, सिलेंडर का वजन हो गया, तो इसके लिए मेरे हाथ लाल लाल पड़ गए। तो मैंने इधर अपनी सब्जियां सेट कर रही थी और इस थैले के बीच में से गाजरें पड़ी थी, मैंने पीटर को दिए खाने के लिए। पीटर ने देखो क्या किया, सब छोटी छोटी कर फेंक दी पर खाई नहीं, थूक दी गाजर।
मुझे लगा खा लेगा, चलो अच्छा है स्नैक के तौर पर कुछ खा लेगा गाजर, तो मैंने गाजर धोकर दे दी, उसने खाई भी नहीं, कुतर कुतर के फेंक दी। ये देख कितनी नेल खराब। और आज तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ब्यूटी बॉक्स से कितना ज्यादा कचरा निकला है। और मम्मी अपना काम करने लग गई है, लग गई है आकर ही साग करने। और ये रिंगलाइट इसलिए आपको इधर पड़ी हुई दिख रही है क्योंकि जब मैं और मम्मी गए थे बाहर तो अली ने वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर रखी होगी, व्लॉग शूट करने के लिए। हमारे पास अभी ट्राईपोर्ड तो है नहीं, तो हम लोग रिंगलाइट से ही काम चला लेते हैं। मैं आपको एक एक अपना डब्बा दिखाऊं कि कितना साफ हो चुका है। ये पहला, इसमें सारियाँ सिर्फ चूड़ियाँ हैं, इसमें हमारे महंगे महंगे इयर रिंग्स, ये पिंस, इसमें रबड़ बैंड्स एंड चार नेल पेंट, वो तो मेरी ही फेवरेट है। ये देखो कितना भरा भरा था, सब खाली हो गया है, उसमें चश्मे वगैरह सब कुछ है। और वो में थोड़ा फालतू सामान है जो कि कभी कभी यूज़ होने में आता है, हेयर ड्रायर वो सब, इसको वापस सेट करके रखना है। भी साफ सफाई तो अभी नहीं होगी, बहुत लेट होने वाले हैं क्योंकि साग करना है, मटर वगैरह सब कुछ करने है, काम तो और बढ़ गया है। नहीं करती, मेरे को पता होता है साग आना है, मेरे को तो कुछ मैं करती नहीं है, सब करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई नहीं, पर इसने कुछ खाया, बातों से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना अम्मा, हिम्मत मत हार। तो चलो मैं देखती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। ये कब से मेरे तंग कर रही है, मेरे को क्या दिखाना है तेरे को। मैं पता है आज मार्केट गई थी, तो मैं मार्केट से लेके छोटी सी कढ़ाई, वो भी कितनी मस्त ढक्कन वाली, इसलिए मैं कैमरा ले रही थी उसके हाथों से। कैसी लगी तुझे? बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत मस्त लगी, छोटी सा सबसे मुझे इसका ढक्कन बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों पूरे 2.5 या 3 घंटे के बाद मेरी मेहनत अब रंग लाई है, मतलब अभी भी रंग तो नहीं लाई है पूरा क्योंकि झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, सिर्फ ये सेट हो चुके हैं। पीटर मता मता इसका लेके जा दीदी, ये इस कचरे में सोएगा, पूरा गीला हो चुका है। बेटा इसको उधर ले जा, बेटा बिस्तर पे चला जा अपने, जा जा बिट्टू, समझदार बन। तो ये देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, अब लग रहा है ना कि ये कैबिनेट सच में कैबिनेट है। सो ये मैं कभी ना उतार के वापस अच्छे से फोटोज लगाऊंगी, काफ़ी बिगड़ भी चुकी हैं और इनमें सारा टेप कईयों में तो उतर भी चुकी है, ये नेक्स्ट टाइम करूंगी। अब देखो कैबिनेट कैसा लग रहा है, क्या 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 अपने मुंह में डाल के रखा था, समझ नहीं आता बशरम, इसको पता है मेरे को कौन सा मैं डांटने वाला है, बनानों का क्यूट सा मैं नहीं डांट खाऊंगा। और मैं पहले खाना खाऊंगी क्योंकि समोसे से इतना पेट नहीं भरा, समोसे से सिर्फ टेस्ट बन गया जीभ का, तो खाना खाने के बाद मम्मी के साथ मैं हेल्प करा पाऊंगी क्योंकि मैं मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया। और पता है मैं इतना फालतू में डर रही थी कि मुझे तो, मैं इतना मीठा खाती हूँ, शुगर शुगर शुगर, तो आज मैंने पता है अपनी शुगर चेक करी ली, तो मेरी बिना कुछ खाए सिर्फ मैंने एक ग्लास पानी पिया होगा 104 थी शुगर। सो आई एम हैप्पी कि नहीं है, बट मुझे करनी भी नहीं है, तो इसलिए चाय बिस्किट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग मिठाई वगैरह इतनी नहीं खाते हैं जैसे लोगों के बच्चे चॉकलेट्स, वो कई होंगे मेरे दोस्त, कई सब्सक्राइबर हमारे की जो चॉकलेट बहुत उनको पसंद होगी, तो थोड़ा बच के रहें, मैं भी बचूंगी, सारा चाय वगैरह कम पीऊँगी। सिर्फ आपको बता रही हूँ कि शुगर फिलहाल तो नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे बन रहे हैं, गर्म हो रहे हैं मेरे चावल और चने की सब्ज़ी। गर्म करेगी ना, ऐसी थोड़ा दे देगी, चावल तरी गर्म, सब्जी गर्म करती ना, चावल क्यों गर्म पहले इस तरफ से। और ये बच्चा आ चुका है अपने बेड पे, अच्छा है मैं झाड़ू लगा देती हूँ फिर ये आराम से सो सकता है भले कहीं, बट अभी कितना गंदा है, पानी 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 जी। आज हमें दिया बत्ती लगाने को 8:30 हो गए, मैंने कब का बोला कब करो अब करो, फिर हम लोगों ने ये सोचा अब साग किया तो है, उसको काट के भी रख लेते हैं, काटा तो काटा काटा, और उसके बाद दीदी ने उसको पहले गैस पे चढ़ाना होता है ना, कुकर में सीटी वगैरह लगती है, वो भी कर दिया साथ में, सब कुछ काम हो गया है। साग वहाँ पे अभी वो थोड़ा कम होता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को पता नहीं। दिया बत्ती मैंने लगा दी है, मम्मी यहाँ पे रेस्ट कर रही है क्योंकि बहुत सुबह से सब काम कर रहे हैं, क्योंकि साग का काम ही एक ऐसा होता है कि जो आपको शाम तक फ्री नहीं होने देता, और ये तो हुआ ही, आज घर भी क्लीन हो गया, साग भी बन गया, ये कुकर में अब सीटियाँ लगेंगी इसमें और इवन साग बन के तैयार हो गया। और अभी हम देखेंगे थोड़ी देर टीवी। मैं बोल रही हूँ कि कुकर में पड़ा हुआ कितना कम लगता है कि बस कुकर में चला गया, पर करते टाइम से कितना टाइम गया, करते टाइम क्या होता है हमारा, वो कोई हमसे पूछे, कुकर में कितना अच्छा लगता है हमसे पूछे कोई कि हमें करते टाइम क्या होता है, कोई नहीं, फिर उसका टेस्ट भी तो अच्छा होता है। अभी मैं पहन लेती हूँ स्वेटर वगैरह, नहा भी ली हूँ मैं, हाँ नहाने के बाद ही दिया बत्ती की है। और तो बस हमारा साग वगैरह हो गया ना, तो अभी रात के 12 बज चुके हैं, हम लोग पहले भी फेंकने जा सकते थे, ये साग का जो कचरा बच जाता है ये देख, दो थैले भर के
उनको डाल आते हैं, वैसे भी वेस्ट ही होने वाला है। मम्मी बोली मैं नहीं जाऊंगी, ठंड बहुत है, ये मम्मी बैठ के देख रही है ना। मैं जाऊंगी पीटर को लेके, और कैमरामैन ये रहा। पता है इधर साग डाल दिया और उस तरफ गाय माता भी आ रही है, और इस लड़की को डर लग रहा था, ये भाग गई। ये लो थेरेपी कर दे, मैं व्लॉग बना रही हूँ। और ये बच्चा पीटर का दोस्त है, हमसे खेल रहा है। तो अभी हम लोग इतना क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हमने कहा कि किसी गाय को डाल के आते हैं कि खा लेंगे हमारे सामने तो अच्छा है, हमने जैसे डालो वो तो भागती भागती वो बोलती थोड़ा ब्लॉग बना। मैंने कहा मैं जान दे दूं कि ब्लॉग के चक्कर में गाय कितनी दूर थी कैसे भागी वो, कैसे भागी पीछे, बोले जान चली जाए ब्लॉग में, जान होनी चाहिए। मम्मी पीछे भागे फिर डर लगता है ना, जान निकल जाती ब्लॉग सूझता है। मेरा अभी भी दिल ऐसे ऐसे कर रहा है, कहाँ गाय कहाँ हम, डर लगता है भाई। पर डाला है वो खा लेगी इतना मुझे पता है। तो अभी बच्चों के हैं रात के 2:30 और मुझे लगी है भूख। दीदी ने तो खाई नहीं, दीदी बोल रही मुझे ना अंदर से बुखार सा लग रहा है, हमारे लिए खाना बना के ना ये सो गई, अभी जस्ट उठी है क्योंकि पीटर को लेके जाना था हमें वॉक पे। तो अभी दीदी बोल रही है मुझे अंदर से ठंड ठंड लग रही है, मेरा शरीर भी गर्म है। तो मैंने कहा ठीक है तू रेस्ट कर ले, पर थोड़ी सी तरी पी ले, मतलब सब्जी खा ले थोड़ी सी, ये चैनल की। तो अभी देखते खाते कि नहीं, मेरा यहाँ पर खाना गर्म हो रहा है, ये पनीर की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, और ये मैंने अपनी कटोरी वगैरह रख दी है, मेरे चावल भी हैं, तो मेरा तो इन तीन से पेट भर जाएगा। पर दीदी को भी कुछ खिलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो कमज़ोरी आ जाएगी ही। एक तो ये हटती तो है नहीं, कोई भी ठंडा गर्म कुछ भी खा लेती है पागलों जैसे, फिर तो बुखार होगा ना, कितने दिन से इसको खांसी नहीं गई है। भी खाती है, ऑरेंज जूस भी पीती है, एंड पता नहीं और क्या, दही भी खाती है, तो उससे थोड़ा तो होगा ना, थोड़ा परहेज करना चाहिए जब तक ठीक नहीं हो जाती, बट कौन समझाए। अब कल देखो और ना बुखार हो जाए इसको, मैं इसको खाना खिला दूँ ज़बरदस्ती, फिर मानेगी ये। इतना समझाने के बाद अब ये कुछ खाने जा रही है, ये बोली मेरे को इतनी भूख नहीं है, मैं इसमें से भी आधी खाऊंगी क्योंकि इसमें से दो रोटी मेरी हैं, बाकी ये मेरे चावल और ये रही मेरी सब्जी जो कि मैं खाने वाली हूँ। मैंने कहा कुछ खाएगी नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। क्या लग रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और तो कौन सा हटती है, जूस तू पीती है, वो तू खाती है दही, तो उससे कुछ तो होगा ना, सर्दियों में कभी नहीं दही खाना चाहिए, देखो कौन समझाए इसको। मैंने कितनी बार आप पुराने व्लॉग भी जाकर दे सकते हो, मैंने इसको कितनी बार मना किया कि कभी तू दही छोड़ दे, दही छोड़ दे, दही छोड़ दे, नहीं खांसी में भी खाना है तो होगा ही ना बीमार। तो जो इसके लक्षण है मुझे लगता है मॉर्निंग में इसको हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा मम्मी को। तो मॉर्निंग में देखते हैं, अभी तो कुछ खा रही है तो खाने के बाद रेस्ट करेगी आप, तो मॉर्निंग तक थोड़ा ठीक फील करे तो डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े। ऐसा नहीं है डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं है, लेके जाना होता है, बट ना ही जाना पड़े, हॉस्पिटल का मुंह ना ही देखना पड़े तो अच्छा है, घर में ही ठीक हो जाए। तो चलो मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। अभी और व्लॉग तो बनाऊँगी नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरा दिन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे कल फ्रेश ब्लॉग के साथ, इसकी तबीयत देखते हैं कैसी होगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।